नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में झारखंड से भाई हैं जो कि साइकिल पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ये मुझे तिगुराणी सिरसा हरियाणा के पास मिले थे, तो मैंने इनसे बातचीत की, तो मैंने इनको इनवाइट किया कि आप आओ और खाना पीना करो हमारे साथ और बैठ के हमें बताओ कि आप किस पर्पज़ के लिए निकले हो। तो हम इससे बातें करते हैं, पूछते हैं कि इनका क्या पर्पज़ है। चलिए शुरू करते हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। सबसे पहले तो राम राम सबके, और जो भी इस वीडियो को देख रहे बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू किया ये 2 मिनट दिए। मेरा नाम विकास कुमार महतो हूँ और मैं धनबाद झारखंड से हूँ, प्रॉपर्टी से झारखंड से हूँ। तो आपका पर्पज़ क्या है, मतलब आप किस चीज़ के लिए निकले हो बाहर? पर्पस थोड़ा सा इस मोटो पे है क्योंकि मुझे ये कहिए कि झारखंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों के बीच में जब मिलता हूँ तो उनको झारखंड की बातें या झारखंड की जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि 2 साल 2.5 साल से हमारे झारखंड में युवा हैं वो मांग कर रहे हैं 1932 की 1932 स्थानीय नीति है जो कि हम चाहते हैं कि झारखंड में ला। मतलब ये अपने स्टेट के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो फिर आप बाईसाइकिल पर क्यों निकले हो? थोड़ा रीज़न है, अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ तो साइकिल में थोड़ा सा ये ठहराव है कि हम कहीं जाते हैं तो ये मेरे साथी होता है, जैसे हम होता है ना कि अगर बाइक होती तो कहीं ना कहीं बजट का प्रॉब्लम होता है, बजट का भी देखना पड़ता है। तो मैनली से सबसे पहले बजट ही आया जिससे लगता है कि साइकिल मेरे पॉकेट फ्रेंडली और हम लोग सब होते, मतलब साइकिल पे निकलो तो आपका खर्चा नहीं लगेगा, अगर आप बाइक लेके या गाड़ी लेके निकलते हो तो आपको खर्चा की वजह देखना पड़ता है। ठीक है, तो आपने कहाँ से शुरुआत कहाँ से की ये जर्नी? अप्रॉक्स मैंने जब स्टार्ट किया था 28 अप्रैल है, और ये मैंने बेंगलोर से लेके चेन्नई, फिर पांडिचेरी तमिलनाडु होते हुए केरल और कन्याकुमारी होते हुए केरल, कोची, गोवा, बॉम्बे, गुजरात। अभी भी इन्होंने काफ़ी स्टेट है वो घूम चुके हैं, अभी ये राजस्थान से हरियाणा में इन्होंने एंट्री की है। ठीक है, तो लोकेशन मतलब आपने कहाँ कहाँ एक बार आप रिपीट करें? लोकेशन वाइज मेरा ऐसा हुआ है कि अभी जब मैं बेंगलोर से निकला तो चेन्नई, पांडिचेरी, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, रामेश्वरम होते हुए अभी मैं गुजरात में, राजस्थान में हूँ, गुजरात होते हुए राजस्थान। ठीक है, अभी मेरा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख होते हुए यूपी, एमपी, और फिर इस तरीके से एक राउंड ऑफ इंडिया करके मुझे घर जाना अप्रोक्स दिसंबर। ठीक है, और आपका अनुभव क्या रहा, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे कैसे लोग मिले आपको अलग अलग जगह पे, किस टाइप के, मतलब जगह कैसी थी? ज़्यादातर तो लोग जैसे मिले वो बड़ा मुझे सपोर्टिव, और बोलते ना कि अतिथि देवो भव वाला, कि जिन्हों जिनके पास भी गया हूँ या जिस स्टेज में, उन्होंने अपनाया मुझे, लोगों ने बड़ा पुचकारा है, मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है। और जैसे हम रंग बिरंगे देश में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ यूनाइटेड है पूरे अलग अलग लोग होने के बावजूद, तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप अलग अलग विविधताओं के बीच में घूमते हुए एक अच्छा एकदम कम्फर्टेबल सफर, मतलब आपको सभी अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है, और आपने मतलब आपका स्टे क्या था? स्टे करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा जर्नी पॉकेट फ्रेंडली है मेरे बजट के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे हमने इनको आज खाना पीना खिलाया तो हम इनको इनवाइट करते हैं कि आप यहीं पे रुक जाओ, तो इस वजह से इनका खर्चा भी है वो बट गया, खर्चा नहीं लगा। तो उसके लिए मैं ज़्यादातर पब्लिक स्पेस यूज़ करता हूँ, यहाँ पे थाना, पुलिस स्टेशन, नाका टोल होता है, या फिर कोई शॉप या दुकान या पेट्रोल पंप के बाहर ही होता है, जहाँ पे लोग अलाउ करते हैं मैं उनसे पूछ के और बस पब्लिक स्पेस। अभी आपको कितने दिन हो गए हैं आज तक? आज तक मेरा ये 80 डेज है, 80 डेज हो गया मुझे। बहुत बड़ा दिन है ये 80 डेज, मतलब हर किसी के लिए आसान नहीं है 80 दिन तक घर से बाहर रहना। तो आपका एंडिंग पॉइंट क्या है, कहाँ तक जाना है? मतलब मुझे लग रहा है कि आज 80 दिन में मैंने 6000 ट्रैवल किए हैं, 6000 किलोमीटर, तो मुझे लग रहा है दिसंबर तक जितना भी हो सकता है पूरा एक राउंड, एक सर्कल इंडिया करके मैं निकलूंगा दिसंबर। हाँ दिसंबर। ठीक है, ठीक है, तो आपने अभी तक एक ऐसा दिन जिसमें आपने इतने किलोमीटर निकाले, मेरा सबसे मतलब ऐसा दिन तो आया हो आपके बीच में कि जिस दिन बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा हो आपको, सबसे लंबा सफर काटना पड़ा हुआ, ऐसा कौन सा दिन था? ये बेहतरीन काटना और हम एक्सक्यूजेस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मेरा चॉइस है, मुझे मजा आता है इसलिए मैं सर्वाइव कर रहा हूं। नहीं, कई बार क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि यार चल छोड़ इसको, आज तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई है, तो कभी मन में ऐसा भी होता है यार छोड़ इसको, इसके ऐसा दिन इसके था। इसके लिए मैं बोलूंगा कि मेरा ऑपोजिट है, जिस दिन मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बाई गेस तो मुझे लगता है कि यार ज्यादा मैं रिस्क लेता हूँ। तो जब मैं गोवा से बॉम्बे के लिए निकला था तो ये मुझे याद है कोकण और सावंतवाड़ी के बीच में मैं अप्रॉक्स 254 किलोमीटर कंटिन्यू चल रहा था, जस्ट बिकॉज कि मुझे मज़ा आ रहा था रात में, मतलब आप रात में भी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जब मुझे रोड और लाइट्स सर्वाइवल स्थिति में लगती है कि हाँ मैं चल सकता हूँ।
अदरवाइज तो दिन में ही चलता हूँ रात को सिर्फ सेफ्टी पर्पस से। चलो भाई मैं तो चाहता हूँ अभी आपकी हरियाणा में जस्ट एंट्री हुई है तो आपको कैसा फील हो रहा है हरियाणा में? हरियाणा मैं अभी जस्ट हार्डली 20 से 25 किलोमीटर होगा, इससे पहले जितने भी स्टेट मैंने घूमे हैं जैसे 8-9 स्टेट तो मेरा हो गया, उसमें सबसे बेहतर मुझे राजस्थान लगा है। आई मीन उन्होंने मुझे लिटरली अपनाया है, जैसे लोगों ने सपोर्ट किया है, किसी ने कुछ खिलाया या फिर कहीं ने रखा है, तो वो बड़ा बेहतरीन है। अब मैं इंटर कर रहा हूँ और आप जैसे दो भाई मिल गए, आप मुझे लगा ही नहीं कि मैं हरियाणा में, मुझे लग राजस्थान में हूँ, राजस्थान वाले फील आ रहे, तो मुझे लग रहा है कि ये तो क्या ही है, मतलब कोई अलग सा नहीं है। नहीं हरियाणा में आगे आगे आपको बढ़िया रिस्पांस मिला, आई होप कि अगर ये अच्छा है तो फिर बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। मेरा कहना कि राजस्थान बहुत अच्छा है, मैं जरूर बोलूंगा कि हरियाणा मतलब जैसा आपका एक्सपीरियंस है वैसा ही बताओगे आप, तो वो बात आपकी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो ये बंदा साइकिल लेके, मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि एक बंदा साइकिल लेके घर को छोड़कर और बिना किसी बजट के परवाह किए हुए घर से निकल जाता है, और वो भी घूमने के लिए, वो भी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको इसकी साइकिल दिखाता हूँ, ये देखिए साइकिल पे भी इन्होंने लिख रखा है 1932 झारखंड में लागू करें, और इनका ये देखिए लगेज वगैरह वगैरह। ये देखिए ये इनका ऑल इंडिया टूर ऑन क्लाउड्स फिल्म्स इंस्टाग्राम यूट्यूब पे इनका चैनल है। ये देखिए हिसाब से जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, ज़्यादातर मैंने खाने पीने के सामान है, बिस्किट पानी, और ये दो बैग है जिसमें ज़्यादातर कपड़े हैं, और मैट है, स्लीपिंग बैग और एक टेंट है। ठीक है, मतलब आप साइकिल पे ये रिस्क भी होता है कि कहीं टायर ना पंचर हो जाए, वो भी रिस्क रहता है आपको, वैसे आपने पंप भी साथ में रखा हुआ है। तो आपके सामने ये दिक्कत हुई कभी कि टायर पंचर हो गया कोई रास्ते में, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है? लग रहा था गुजरात के बाद जब मैं राजस्थान घुस रहा था, ठीक है, तो मुझे 10 किलोमीटर सिर्फ वॉक करना था, क्योंकि ना तो हाईवे में ऐसे स्टोर से शॉप है, तो मुझे लगा कि चलो यार ये भगवान की मर्जी है, मैं साइकिल से घूम रहा था अभी पैदल घूम रहा हूँ। तो अब ये मैं बहुत ही अच्छे से हम दोनों, मतलब आप ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं और मजा आने लगा, अब तो मतलब वो परिस्थितियाँ नॉर्मल हो चुकी है, अब वो कुछ नहीं लग रही आपको? बिल्कुल बिल्कुल, पार्ट ऑफ लाइफ है, बिल्कुल बस एक्सपीरियंस करते रहे। चलो बहुत बढ़िया अनुभव रहा आपके साथ, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल।